अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबरार हैदर है और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंदम के बारे में कुछ मालूमात कि गंदम की जो पहली बुआई होती है, मतलब कि पानी पहला किस तरह लगाते हैं और इसका टाइमिंग बेहतरीन क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको चंद एक एहतियाती तदाबीर बताऊँगा जो अपना कर आपको ना सिर्फ अच्छी पैदावार मिलेगी बल्कि आपकी गंदम की बढ़ोतरी भी अच्छी होगी और फसल में और जान आएगी। उसके लिए मैं आपको कुछ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ गंदम के बारे में कि गंदम का जो पहला पानी होता है उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी गंदम की उम्र कितनी है। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी अपने खेत में जाएँ तो उसके लिए कि आपकी गंदम में वत्तर कितना है। वत्तर को बेसिकली आपने इस तरह चेक करना है कि गंदम के पत्ते देख के, अगर आपकी गंदम के पत्ते 3 से 4 हो गए हैं और वो पत्तों का रंग जो है वो हल्का ग्रीन, मतलब रंग में कुछ कमी बेशी होती है, तो उसके लिए आपको गंदम का पौधा उठाकर और इस तरह देखना चाहिए कि पत्ते के रंग हल्के हो रहे हैं, ये पानी मांग रहे हैं तो पानी देना है। अगर दो चीज़ें इसमें होती हैं कि आम तौर पर जो धान वाला रकबा होता है, जो धान वाला रकबा होता है उसमें पानी जो है पहला वो 35 से 40 दिनों में दिन के बाद लगता है, और जो बाकी ऐसे ही रकबा होता है उसमें 25 दिन भी लग जाते हैं। जो बेसिकली मैं आपके बात करूंगा कि धान वाले रकबे में पानी पहला किस तरह लगाते हैं, उसके लिए आपको जो है ना पहला पानी 35 से 40 दिन बाद लगाना चाहिए। और उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि खाद जो है ना आपने यूरिया का इस्तेमाल वो फर्स्ट टाइम नहीं करना, पहले आपने नेट्रोफास का छट्टा लगाना है ज़मीन में, फिर पानी ऊपर से लगाना है। और पानी इतना नहीं लगाना कि अपना जो गंदा मैना उसको पानी ख़राब कर दे। बाज़ औक़ात इस तरह होता कि ज़्यादा पानी लोग लगा देते हैं मेरे भाई, तो बाद में गंदम जो है रुक जाती है, टिलरिंग कम हो जाती है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि गंदम का पहला पानी मुनासिब और बराबर लाना चाहिए। और दूसरा काम, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पानी लग जाए तो 4थे से 5वें दिन जब वत्तर आ जाए, जिस वक्त आप समझ जाएं कि आपकी ज़मीन जो है ना वो आपका पैर बर्दाश्त कर जाएगी, तो फिर यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। जितना अच्छा आप पानी लगाएंगे पहला। और एक चीज़ और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि गंदम का जो पहला पानी, साइंसदानों से पूछा गया था कि गंदम का जो पहला कौन सा पानी ऐसा ज़रूरी है जो लगाया जाए, बाकी पानी लगे ना लगे और गंदम की पैदावार अच्छी आए, तो जो एक्सीलेंट और बेहतरीन साइंसदान है उन्होंने बताया है कि सबसे जो पहला पानी है ना वो आप बेहतरीन और टाइम पे लगाएं, आपकी पैदावार बेहतरीन बनेगी। तो इसके लिए पहले पानी पे आपको चाहिए कि एहतियात करें।